ईडी की टीम सुबह पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के आवास पर छापेमारी कर रही थी, और इस बीच बड़ी खबर निकल के यह सामने आया कि लालू परिवार के चार बेटियों के अलग अलग ठिकानों पर भी ईडी की टीम सुबह ही पहुंची है और छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, पटना में भी और दिल्ली NCR सहित अन्य जगहों पर। सबसे ज्यादा जो मुसीबत है वो लालू परिवार के ऊपर पड़ी हुई है। ईडी की टीम सीधे तौर पे लालू परिवार और उनके करीबियों को टारगेट कर इस रेड को उन्होंने शुरू किया था। हालांकि इसके पहले ही लालू परिवार के जो सदस्य हैं उनके ऊपर CBI की पूछताछ चल रही थी। खुद लालू परिवार से भी लालू परिवार में राबड़ी देवी से CBI की टीम ने पटना में पूछताछ किया, लालू प्रसाद यादव से मीसा भारती के आवास पर पूछताछ किया, और अब जो खबर निकल के सामने आ रही है जिसमें कि लालू प्रसाद यादव की चार बेटियों से सुबह से ही पूछताछ जारी है, उनके ठिकानों पर रेड पड़ी हुई है। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के सामने आ रहा है जहां देश भर में CBI की टीम तकरीबन 15 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। देश भर के अलग अलग जगहों पर अलग अलग राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोगों पर 15 ठिकाने हैं जहां छापेमारी की जा रही है। हाल के दिनों में केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला खूब राजनीतिक दल के नेता उठाते रहे हैं। जो विरोधी दल के नेता हैं वो केंद्र सरकार पर जमकर इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की BJP की सरकार अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए, डराने के लिए जो जांच एजेंसियां हैं उनका बेवजह इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अब जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि केंद्र की एजेंसियों ने लालू परिवार के ऊपर फिर से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, और लालू परिवार के ऊपर इस वक्त बड़ा जो है दबाव है वो है कि उनके कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। पटना में लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी RJD के पूर्व विधायक अबू दोजाना के आवास और उनके दफ्तर में छापेमारी की जा रही है। अबू दोजाना ने सीधे तौर पर कहा कि ये छापेमारी की जो घटना है और ये डराने की कार्रवाई है, इस तरीके की कार्रवाई कहीं ना कहीं BJP से खिलाफ में खड़ा होने की वजह से केंद्र की जो एजेंसियां का दुरुपयोग करके केंद्र की सरकार BJP के लोग हमें डराने की कोशिश करने के लिए इस तरीके की कार्रवाई करवा रहे हैं जिससे हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर दिल्ली NCR और अन्य जगहों से निकल के सामने आई वो ये है कि लालू परिवार की के अंदर जो लालू प्रसाद यादव की चार बेटियां हैं उनके भी अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी जारी है। तो देश भर के अंदर ED और अन्य जांच एजेंसियों के द्वारा आज सुबह से ही छापेमारी किया जा रहा है। होली के ठीक पहले यह छापेमारी शुरू हुई थी, यह जांच की प्रक्रिया शुरू हुई थी, पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ था, और होली के अगले दिन पूरे तैयारी के साथ ED और अन्य जांच एजेंसियों ने लालू परिवार और उनके करीबियों पर दबिश शुरू कर दी है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।